खबर छपरा बिहार से, जहां नीतीश सरकार में रोड का विस्तारीकरण काफी हुआ है, यह भी ठुकराया नहीं जा सकता, लेकिन सड़कों की संरचना उसके मानक पर होती नजर आ रही है। बताते चले कि भेल्दी थाना अंतर्गत कटरा बाजार से कोरिया बाजार पर आने वाली सड़क, जो कि कोरिया बाजार के मुहाने पर, इन दिनों राहगीरों के लिए डेंजर जोन बनता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए कि टर्निंग प्वाइंट पर पानी का जमाव हो जाना, वहीं पानी के जमाव के कारण सड़कें टूट चुकी हैं, जिससे कि वहां पानी लग जाता है, राहगीरों को गड्ढे का पता नहीं चलता और गाड़ियां पलट जा रहे। ऐसा ही एक मामला आज देखने को मिला, एक वृद्ध महिला अपने पति के साथ साइकिल से उस रास्ते गुजरने के दौरान वहां पर गिर पड़ी। हालांकि किस्मत अच्छी थी, उन्हें कम चोट लगी। लोगों द्वारा बताया जाता है कि ऐसा प्रत्येक दिन मामला यहां होता नजर आ रहा है। कहीं न कहीं सड़क बनाने में अनियमितता का पालन किया गया है, जिसकी वजह से वहां पानी का जमा हो रहा है। इस बारे में लोगों से पूछा गया तो लोगों ने क्या कुछ कहा, ऐसा ही हाल कोरिया बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। जल जमाव एवं गंदगी का अंबार है, बाजार पर सफाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण वहां काफी गंदगी नजर आ रही, जबकि बाजारों का मुख्य मालिक अंचल अधिकारी माने जाते हैं कि जो कि बाजारों को नीलामी के दौरान जिसको सौंपी जाती है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है साफ सफाई और संबंधित बातों पर। कटसा से जो कोड़िया बाजार आ रही सड़क, टर्निंग पे काफी दयनीय स्थिति है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यही है कि जो रोड बना है सही ढंग से बना नहीं है। कितना दिन हो गया रोड बने? बने हुए कम से कम 1 साल हो गया, और जो बनाया भी गया है तो पहले से भी जर्जर है। पहले तो इतना एक्सीडेंट कुछ नहीं होता था, और बनने के बाद और ज्यादा होने लगा है। क्या कारण है? जल जमाव की समस्या है या रोड सही मानक में नहीं बना है? सही मानक में रोड नहीं बना है, एक तरफ ज्यादा हाइट हो गया, एक तरफ ढुलाव हो गया, वहाँ से पानी ज्यादा जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्या नाम पड़ेगा, कहाँ आपका घर है? कोरिया घर है मेरा। क्या नाम? कुंदन कुमार नाम। कटसा से यह रसूलपुर जाने वाली मुख्य सड़क है, और नई सड़क बनी है, क्या कारण है कि यहाँ पानी लग जा रहा है? डाउन है। इसके दोषी कौन, किसको मान सकते हैं? ने किसको, पब्लिक या यहाँ के ठेकेदार जो बनाए हैं? पब्लिक और ठेकेदार दोनों। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? भृगुनाथ गोस्वामी।